ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बीटीसी राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नूरपुर की एनएसएस व इको क्लब की छात्राओं ने पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देते हुए रैली का आयोजन किया। रैली को नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बीटीसी राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस व इको क्लब की छात्राओं ने पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देते हुए रैली का आयोजन किया। नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध है, न आप स्वयं इसका इस्तेमाल करें न दूसरों को करने दें। अधिक से अधिक कपड़े से बने थैले का उपयोग करें। अगर आज पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वो आने वाली पीढ़ी को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जिला प्रशासन के तत्वावधान में जो पॉलीथीन उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर एक रैली के माध्यम से जो है नूरपुर के लोगों को हम इस बारे में अवेयर करवाना चाहते हैं कि जो पॉलीथीन है पॉलीथीन का कृपया इस्तेमाल ना करें। पॉलीथीन एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में एक जो है फैलता जा रहा है हमारे समाज में, जो कि एक बार पॉलीथीन का यूज़ होने से जो एक तो ये एंटी कैंसरस है, ये कैंसरस है, ये इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये है कि जो इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं उसके बाद डिस्पोज ऑफ, जनरली हम इसे किसान लोगों के खेतों में जब होता है तो एक पॉलीथीन के लिफाफे को डिस्पोज ऑफ होने के लिए ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का समय लगता है, और इससे हमारी जो उपजाऊ ज़मीनें हैं वो भी जो है प्रभावित, उर्वरता क्षमता जो भूमि के वो जो है प्रभावित हो रही है। लगे हाथ तो ये बहुत सारी बीमारियों को भी बढ़ावा दे रहा है और गंदगी का भी कारण बनता है। तो मैं सभी नूरपुर के समस्त लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कृपया वो पॉलीथीन का उपयोग ना करें। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्र रेखा शर्मा ने बताया कि आज इस अभियान के दौरान पॉलीथीन इकट्ठा किया व स्थानीय कमेटी के पास जमा करवाया गया। इस अभियान में छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर, आज हमारे एनएसएस और इको क्लब की जो छात्राएं हैं वो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देती हुई एक शहर के बीचों बीच में रैली का अभियान चलाने जा रही हैं। रैली के माध्यम से एक ही उनका एक लक्ष्य रहेगा कि आम जनता को पॉलीथीन के हानिकारक तत्वों के बारे में बताएं और इससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी जनता को सचेत करें। साथ ही साथ वो जब रैली निकालती हुई निकलेंगी तो आम जनता को समझाती हुई चलें कि पॉलीथीन का प्रयोग ना तो स्वयं करें ना किसी को करने दें। अधिक से अधिक हमें कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग एक बार करने पर वो हमारे पर्यावरण में नुकसानदायक साबित होता है। जिस ज़मीन पर गिरेगा उस ज़मीन को बंजर कर देता है, जहाँ पर वो गिरता है सालों साल वो गलता तक नहीं है। तो ज़मीन के अंदर एक जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, कहीं ना कहीं प्लास्टिक और पॉलीथीन के इसमें दुष्प्रभाव नज़र आते हैं, जो कि हमारे समय समय पर एक सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े हमारे सामने आते रहते हैं। तो आज छात्राएं जो हैं हमारे स्कूल से निकल करके, जिसके हमारे उपमंडलाधिकारी माननीय डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी हरी झंडी देकर के रैली को रवाना किए हैं, और रैली के दौरान वो बच्चियों का एक ही लक्ष्य है कि पॉलीथीन को हमने ख़त्म करना है, पॉलीथीन को हमने लोगों के जहन से निकाल देना है, दिमाग से निकाल देना है, ताकि लोग इतने अवेयर हो जाएं कि वो जब घर से निकलें सामान लेने के लिए तो कपड़े का थैला लेकर के निकलें, क्योंकि थैला फट जाता है तो उस कपड़े को जो है नष्ट करना ज़्यादा आसान है, जबकि पॉलीथीन नष्ट करना जो है वो बेहद मुश्किल है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण दे सके, एक अच्छा पर्यावरण दे सके। ये अभियान के दौरान ये बच्चियाँ जो हैं अपने अवेयरनेस कैंप में जारी रखेंगे। इस दौरान नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने एक बच्ची वनीता देवी सुपुत्री नारायण दास को गोद लिया और 12वीं में उसका बीटीसी कन्या राजकीय विद्यालय में दाखिला करवाया। इस बेटी की पढ़ाई लिखाई इत्यादि का सारा खर्चा एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर स्वयं करेंगे।